कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस के मौके पर एक ऐसा वाक्या देखने को मिला जिसे देख आसपास बैठे लोग मुस्कुरा उठे। ये वीडियो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच एक हंसी ठिठोली का वीडियो है। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता अंबिका सोनी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। 16 सेकंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी अंबिका सोनी से कुछ बात करती दिखाई देती हैं। वह राहुल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए अंबिका को कुछ कह रही हैं। इस दौरान राहुल थोड़ा सा झेप जाते हैं, तब भी सोनिया अंबिका से अपनी बात नहीं रोकती हैं। इसी दौरान राहुल गांधी अपने ठंडे ठंडे हाथ सोनिया गांधी के गालों पर लगाकर उन्हें प्यार से दुलार देते हैं। राहुल गांधी के बगल में बैठे कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल भी माँ बेटी के बीच चल रही इस चुहलबाजी पर मुस्कुरा उठते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इस बॉन्डिंग का वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जब माँ कहती है मानता नहीं, स्वेटर ही नहीं पहनता, और फिर उसको ठंडे ठंडे हाथों से छूकर परेशान करने का मजा ही कुछ और है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्यारी बॉन्डिंग आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई दफा देखने को मिली है। इससे पहले 24 दिसंबर को जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही। इन तस्वीरों में राहुल गांधी मां सोनिया गांधी को गले लगाते हैं। एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कुछ कहती हैं, तुम्हें इतनी सर्दी में ठंड नहीं लग रही, कम से कम एक स्वेटर तो पहन लो। राहुल गांधी का मां सोनिया गांधी के साथ प्यारी बॉन्डिंग का वीडियो पहले भी बहुत बार वायरल हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी एक बार अपनी मां सोनिया गांधी के पैरों के फीते बांधते भी नजर आ चुके हैं। इस बार भी फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये बेहद ही क्यूट मोमेंट का वीडियो देखने के लिए मिला है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।